भी जानवर वहां से भागने लगते हैं। इतने में ही वो बकरी का एक बच्चा पीछे छूट जाता है और वह ड्रैगन उस बच्चे को उठाकर वहां से चला जाता है। सभी जानवर इस बात से बहुत दुखी होते हैं और सभी महाराज शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज महाराज, जंगल में एक ड्रैगन घुस आया है और वह मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है, प्लीज कुछ करो महाराज। हाँ महाराज, वह ड्रैगन बहुत ही ताकतवर है और उसके पास मुंह से आग उगलने की शक्ति भी है। तो ये बात है, देखो दोस्तों, वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे हराना हम में से किसी के बस की बात नहीं, यहाँ तक कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या हमें यूं ही मरना होगा महाराज? नहीं दोस्तों, हम भले ही ताकत में उससे नहीं जीत सकते, लेकिन हमें उसे हराने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। फिर महाराज शेर सबको अपनी योजना के बारे में बताता है। योजना सुनकर सभी जानवर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सभी जानवर मिलकर 2 दिन की कठिन मेहनत के बाद लोहे का एक बड़ा सा पिंजरा बनाते हैं, जिसके सुराग बड़े बड़े थे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं थे कि उसमें से वह ड्रैगन निकल सके। अब सभी उस ड्रैगन का वेट करने लगते हैं। कुछ देर में ही वह ड्रैगन वहां पर आ जाता है और बोलता है, हा 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 हा, आज कौन मेरा भोजन बनेगा? आगे आ जाओ, नहीं तो सबको जलाकर भस्म कर दूंगा, हा 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 हा। तभी महाराज शेर निकलकर सामने आता है और बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सबसे पहले मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे राजा, तुम्हारा भोजन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। जैसे ही ड्रैगन शेर की तरफ बढ़ता है, शेर वहां से भागने लगता है। ड्रैगन भी शेर के पीछे पीछे भागता है। शेर पिंजरे के गेट से पिंजरे के अंदर जाकर रुक जाता है। ड्रैगन भी शेर के पीछे पिंजरे के अंदर चला जाता है। हा हा हा, अब मुझसे बचकर कहां जाओगे? इतने में ही दूसरे जानवर मिलकर पिंजरे का गेट बंद कर देते हैं और शेर पिंजरे के सुराग से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन भी पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन बड़ा शरीर होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता है और ऐसे ही कई दिनों तक पिंजरे में बंद रहता है और भूख और प्यास से तड़प तड़प कर फिर वह मर जाता है। इस तरह राजा शेर अपनी बुद्धि के बल पर बड़े ड्रैगन से जंगल के जानवरों को बचाता है। तो देखा दोस्तों आपने, बुद्धि में कितनी ताकत होती है, इसलिए हमें बुरे समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक खतरनाक ड्रैगन डायनासोर रहता था। वह आसमान में उड़कर अपना शिकार किया करता था। एक बार जंगल के कुछ जानवर एक साथ खड़े बातें कर रहे थे। अरे इस सिम्बा डायनासोर ने तो जीना मुश्किल कर रखा है, इसका क्या किया जाए? हाँ हमें